नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रियंका ट्रैवल एंड फूड में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत ही स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आज किसी कारणवश मैं नहीं ब्लॉग डाल पाई हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कुछ काम ऐसा था, इसलिए नहीं शूट कर पाई और ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो बस आज रेसिपी वीडियो डाल रही हूँ, इसमें आप लोग उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पे रेसिपी की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम पैन चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, और यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने सरसों तेल ऐड कर दिया है। जब तक तेल गर्म होगा हमारा, तब तक हम एक सलाई की काठी की सहायता से इस मीडियम साइज जो आलू उबाल के रखे हैं मैंने, इसमें होल कर लेना है। आप कांटे वाले चम्मच से भी होल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मुझे जो सामने दिखा मैं उससे कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं आलू दम की, और ये बहुत अलग तरीके से बना रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें हल्दी डाले हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसमें हम आलू को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, और जो भी इस तरीके से बना चुके हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, और फुल रेसिपी देखिएगा, स्किप मत करिएगा रेसिपी को। और प्लीज़ आप लोग मुझे उतना ही सपोर्ट और प्यार इसमें भी दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारे आलू को फ्राई कर लिया है मसालों के साथ, कुछ इस तरीके से कलर उभर के आया है। आलू दम बना रहे हैं तो कुछ अलग टेस्टी बनाना पड़ेगा ना, और चाट मसाला गरम मसाला जो पाउडर ऐड करके हल्का सा डाले थे उसका स्वाद भी इसमें आएगा। आपको बिल्कुल मतलब बहुत ही मस्त लगता है खाने में, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। तो फिर से यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों तेल ऐड किया है। इसमें सौंफ, जीरा, पत्रज, अदरक, लहसुन दरदरा कूट लिया था, कुछ लंबे लंबे काट लिए थे, प्याज सब कुछ अच्छे से डाल दिया है एक ही बार। और मेरे पास यहाँ पे पत्रज नहीं था तो मैंने नहीं डाला, आपके पास होगा तो आप लोग यूज करिएगा। तो इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे पकाते हुए हम देखिए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और साथ में ही टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, जो कि इसकी ग्रेवी बनाएगी, गाढ़ी ग्रेवी बनाएगी। और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिए थे ताकि अच्छे से गल जाए। तो फाइनली हमारा ये तैयार हो गया है प्याज। तो इसमें हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाले हैं, और यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किए हैं, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। बस इतना ही मसाला अभी हमें ऐड करना है, और हल्का सा पानी ऐड करके हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाला कढ़ाई ना छोड़ दे, पूरी तरीके से भून नहीं जाए। यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा। तो देखिए, लाइट कट गया था बीच में तो मुझे दूसरी कढ़ाई में गैस पर चढ़ाना पड़ा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मसाला अच्छी तरीके से भून गया था, तो उसमें लास्ट में मैंने दही ऐड किया है। और इस तरीके से आपको साथ ही दही ऐड करने के बाद थोड़ी देर चलाने के बाद हम यहाँ पे साथ में पानी इसमें ऐड कर देंगे अपने मन के मुताबिक, जितना मुझे चाहिए ग्रेवी में। और पानी ऐड करने के बाद देखिए, यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद हम इसमें लास्ट में यूज करेंगे बस चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर, जो कि मेरा फेवरेट है और सब्जी में 4 चांद लगा देता है। तो ढक के कुछ देर हमें बॉईल कर लेना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बॉईल करने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे, मसालेदार वाला आलू, और इसे ढक के हम थोड़ी देर तक पकाएँगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना अच्छा मतलब कलर आया है। अभी ढक के 5 मिनट छोड़ के पका लिया था, तो लास्ट में हम इसमें देसी घी 1 चम्मच ऐड कर देंगे। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आज की अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।